नमस्कार दोस्तों, फोनंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो F21s Pro 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी A33 5G के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। दोस्तों दोनों ही फ़ोन लगभग 25,000 रुपए के आसपास आते हैं, तो यह देखना बाकी है कि किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस हमको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों ही फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से। बात करें ओप्पो F21s Pro 5G की, तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टाकोर सीपीयू मिलता है, एड्रिनो 619 इसमें आपको जीपीयू मिलता है। एंड्रॉइड 12 के साथ यह फन टच ओएस पर रन करता है। इसमें आपको 8GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज मिलता है। बैटरी की बात करते हो इस फोन में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करते हो यह फोन लगभग आपको 25,000 के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। वहीं अब बात करें हम सैमसंग गैलेक्सी A33 5G की, तो इसमें आपको एक्जीनोस 1280 ऑक्टाकोर सीपीयू मिलता है, माली G68 इसमें आपको जीपीयू मिलता है। एंड्रॉइड 12 के साथ यह वन यूआई 4.1 पर रन करता है। बैटरी की बात करते हो इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। स्टोरेज की बात करते हो इस फोन में आपको कई सारे स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे पास 6GB रैम एंड 128GB वाला वेरियंट है। प्राइसिंग की बात करते हो इस फोन का भी प्राइस लगभग आपको 25,000 रुपए के आसपास ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशंस जो कि हमने आपको बता दिए। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फोन के बीच एक रिबूट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फोन पहले रिस्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों फ़ोन के रीबूट टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 5G काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F21s Pro 5G। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और देखते हैं किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस हमको बेहतर देखने को मिलती है। दोस्तों दोनों फ़ोन के स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 5G काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F21s Pro 5G। क्योंकि दोस्तों गैलेक्सी A33 5G में जो आपको CPU मिलता है वह ओप्पो F21s Pro 5G के CPU से काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड बेटर है। तो दोस्तों यदि आप
इन दोनों फ़ोन में से कोई फ़ोन स्पीड परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हो तो आपके लिए गैलेक्सी A33 5G काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच रैम मैनेजमेंट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन रैम मैनेजमेंट में बेहतर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों ही फ़ोन का रैम मैनेजमेंट टेस्ट कर लिया है। अगर रैम मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 5G का रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F21s Pro 5G, क्योंकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A33 5G के बैकग्राउंड पर सारे ऐप्स बने हुए हैं एंड सारे ऐप्स ईजिली री ओपन भी हो रहे हैं, जबकि F21s Pro 5G के बैकग्राउंड पर ऐप्स सारे बने तो हुए हैं लेकिन री ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A33 5G ही लेना चाहिए इन दोनों फ़ोन में से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आज किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।